इटावा कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस की रिसाव में मचा हड़कंप। अमोनिया गैस के रिसाव की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, फायर विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि जिससे हड़कंप मच गया, पूरा दमकल वाहन ने पूरे कोल्ड स्टोर में पानी का बड़े पैमाने पर छिड़काव करवाया गया, क्योंकि वहां पर लोगों में हड़कंप मच गया, पानी का छिड़काव भी कराया गया। गैस के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज के आसपास के लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मौके पर जमा लोगों ने अधिकारियों से कोल्ड स्टोर में होने वाली गैस रिसाव की शिकायत की। गैस होती है, अभी होता क्या है, मशीनरी है, इसमें ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस प्रयोग की जाती है। उसके लिए फिटनेस का हर साल लिया जाता है, वो इस साल भी लिया गया है। ये अग्रवाल जी हैं, उन्होंने फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया है कि मशीन फिट है, लेकिन वो हो सकता किसी कारणवश से रिसाव हुआ हो, तो उसके लिए भी अभी 2-3 साल से चालू हो गया है कि ये फायर के स्टेपी लगाए जाएँ जो इसमें लगा हुआ है। तो उसमें अभी आप देख भी रहे हैं, जैसे चला रहे हैं तो इसका असर थोड़ा कम हो रहा है। तो ये प्रकाशन तौर पे है, अब जो इंजूरियस भी होती है हेल्थ के लिए, तो वो असर। तो सर ये बताया जा रहा है कि बार बार रिसाव हो रहा है, मतलब हर हफ्ते का ये बना हुआ है, तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से इन पर कार्रवाई करेंगे और क्या प्रिकॉशन बरतने की इनको निर्देश देंगे? अभी मेरे संज्ञान पहली बार आया है, अगर ऐसा है तो इन पर कोई इंजीनियर को बुला करके दिखाया जाएगा कि किस क्यों हो रहा है, कैसे हर हफ्ते आ रहा है। अच्छा ये बताइए सर, इस तरह की घिसाव से किस तरह का साइड इफेक्ट होता है? ये इंजूरियस इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पर। बच्चों के लिए कितनी घातक है ये गैस? बच्चों के लिए क्या, सभी के लिए होती है घातक, बच्चे हों चाहे जवान हों, लेकिन ये है इसको कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव ये सब किया जाता है, और बंद करने के लिए मास्क होता है, ऑक्सीजन का मास्क होता है, उसको जाके बंद करते हैं, बंद करने का सिस्टम होता है। जैसे कि बंद कर दिया गया, आप जो बाहर है वही ये गुरु नानक कोल्ड स्टोर है। यहाँ पर लगभग अभी आधा घंटे पहले पुलिस को सूचना मिली कि अमोनिया का लीकेज हुआ है, तो यहाँ पर पुलिस बल आया है और इससे संबंधित जो भी टेक्निकल अधिकारीगण हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ लीकेज तो हुआ है, वाल्व को बता रहे हैं कि कुछ ढीला हो गया था, लेकिन इनके पास मास्क था उससे इन्होंने वाल्व बंद कर दिया है, लेकिन थोड़ा गैस का यहाँ प्रभाव है, उसके लिए बाकायदे फायर टेंडर वगैरह आए हैं, ये छिड़काव कर रहे हैं, और जो अग्रेतर कार्रवाई है, जो इसके जांचकर्ता अधिकारी हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है मोहल्ले के आसपास कुछ बच्चे भी बीमार हो गए, वॉमिटिंग हो रही है, एक यहाँ कर्मचारी बेहोश हो गया, क्या है? अब ये सूचना मिली थी, मोहल्ले के लोगों ने बताया था कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, उसकी हम लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी पहले ये काम था कि जो इसका प्रभाव है उसे कम किया जाए, बाकी और जांच चल। किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ जो बार बार गैस रिसाव हो रहा है? जो संबंधित अधिकारी हैं इनसे रिपोर्ट लेंगे, जो भी है बिल्कुल दोषी खिलाफ कार्रवाई।